स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपके सामने एट्रिशन मेथड, जो सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के लिए हेल्पफुल होता है। और स्टूडेंट इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ बाइसेक्शन मेथड, रुगला फालसी मेथड और न्यूटन ऑप्शन मेथड में आगे बताने वाला हूँ आपको, प्लस न्यूमेरिकल क्लासेस के अंदर मेरे बहुत सारे वीडियोज अपलोडेड है यहाँ पे, इंटरपोलेशन है या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है, सो ये सब टॉपिक आप यहाँ पे IIT-JAM यहाँ पे जाके देख सकते हैं। आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या B.Sc या फिर आप IIT-JAM, CSR नेट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो मैथमेटिक्स के से रिलेटेड है, उन सभी के वीडियोज आपको यहाँ पे IIT-JAM पे जाके मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, सो दैट कि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और प्लीज लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करते हैं तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है थोड़ा और मेहनत करो बच्चों के साथ में। सो देखिए यहां पे क्वेश्चंस, सॉल्यूशन ऑफ द एल्जेब्रिक इक्वेशन एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बाय द इटरेशन मेथड, या फिर इसको फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड भी बोलते हैं। तो देखिए कैसे ये मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। सो सपोज वी हैव द इक्वेशन 5x = 0, द इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज x = 5x। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक बार समझने की जरूरत है कि ये जो इक्वेशन दे रखी लाइक x³ + x²-1 = 0, इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कैसे करते हैं। फिर जो भी आपने यहाँ पे लाइक आप या जैसे मैं आपको थोड़ा सा आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं पैरेलल आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। लाइक आप सबसे पहले यहाँ पे 0 रख के देखिए, जैसे 0 रखा तो यहाँ से इसकी वैल्यू -1 आ रही है, आपने 1 रख के देखा है ना, लाइक 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो ऑब्वियसली इसका जो रूट है वो 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है, और 0 और 1 के बीच में होगा। तो आप लाइक यहाँ पे इन दोनों का जो एवरेज है, अगर आप एवरेज ले लेंगे तो आई थिंक f.5 निकाल के चेक करेंगे तो 0.5 पे लाइक इसकी वैल्यू 0 के ज़्यादा करीब होगी, है ना। तो आपको यहाँ जो x0 लेना है वो क्या ले लेंगे, लाइक x0 जो ले लीजिए आप 0.5 ले लीजिए, है ना, क्योंकि जितना करीब लेंगे आप x0 उतना आपके पास आंसर आने की संभावना ज़्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। तो x0 हम यहाँ पे 0.5 ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो ये बात आ रही है, ये समझने की जरूरत है कि x = 5x कैसे लिखना है ना। तो यार देखो इस क्वेश्चन को तीन तरीके से लिख सकते हैं, मैं तीनों तरीके आपको समझाता हूँ और कौन सा तरीका यहाँ पे सही रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट केस है, देखिए आप क्या लिखेंगे, मैं इस x³ को इधर ले लेता हूँ और उसको इन दोनों को उधर ले गया, तो ये आएगा 1 - x², सो x = मैं लिख सकता हूँ 1 - x² / 1/3, एक तरीके से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। दूसरा तरीका मेरे पास क्या होता है, वो ये होता है, क्या होता है, x² को उधर ले लिया देन उन दोनों को उधर ले गया, तो लाइक ये आ गया 1 - x³, देन x = 1 - x³ / 1/2 कितनी हो जाएगी, 1/2। एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम यहाँ से x² कॉमन निकालें, 1 + x और इस -1 को उधर ले जाएं, तो लाइक x² = 1/1 + x, देन x = 1/√1 + x ऐसा भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट 5x, देखो 5x ये होता है, लाइक ये 5x है, ये 5x है, ये 5x है ना, ये तीनों 5x है, ठीक है। अब इन तीनों पे हम चेक करते हैं कि जो हमारा x0 है उस पे क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रही है ना। तो आप इसको डिफरेंशिएट करें, है ना, लाइक ये 5x है तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 5x निकालेंगे आप, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, 1/3 आ गया आएगा, देन यहाँ पे -1 होगा तो 2/3 हो जाएगा, तो ये आएगा 1 - x² / 2/3 हो जाएगा, और x² का 2x लेंगे आप, और यहाँ पे आप इसकी क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 5x = 0.5, यहाँ पे 0.5 रखेंगे, दैट इज 1/2 रखेंगे, है ना। तो 1/2 रख के चेक कर लीजिए क्या आ रहा है, मैं रख के देख लेता हूँ एक बार, इसको चेक कर लेते हैं ना, तो ये आएगा 1/3 एंड यहाँ 0.5 का मतलब 1/2 होता है, 1/2 रखेंगे तो 1 आएगा, यह आएगा 1/4, है ना, एंड देन पावर कितनी आएगी यहाँ पे 2/3, तो आप चेक करेंगे तो ये भी less than 1 आएगा, है ना, क्योंकि 1/3 रखेंगे तो ये 3/4 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 3/4 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट इसकी भी वैल्यू जाएगी 1 से छोटी आएगी, है ना। इसी टाइप से आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे वापस वो 5 लगाएंगे, तो लाइक 5 जो x आएगा इस पे, है ना, ये हमारा 5x है, है ना, ये हमारा 5x है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 1/2 और यहाँ आएगा आपके पास 3x² है, तो ये यहाँ पे x³ है, तो ये आएगा आपके पास 3x² 1 - x³ / 1/2 कितनी आएगी, 1/2 आ जाएगी, है ना। और हम इस पे चेक करेंगे तो लाइक जैसे हम 5x = 1/0.5, क्योंकि हमने x0 यहाँ पे 0.5 लिया है ना, तो इस पे भी less than 1 आएगा,
है ना। अब यहाँ देखिए आप एक और इसको चेक करिए, है ना, तो यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए आप इसको, ये हमारा फाइव एक्स यहाँ पे कितना है, फाइव एक्स हमारा जो है वो है वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स, है ना। तो फाइव डैश एक्स क्या आएगा, देखो यहाँ पे फाइव डैश एक्स आएगा लाइक वन बाई टू पावर है, माइनस वन बाई टू है तो लाइक आप देखेंगे वन बाई टू, और ये आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स पावर थ्री बाई टू। और जैसे हम फाइव डैश एक्स, है ना, एट x इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे 0.5, है ना, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी लेस देन क्या आएगी, 1 ही आएगी। अब देखो अल्टीमेटली लेस देन 1 आनी चाहिए, मेथड क्या बोल रहा है भैया, लेस देन 1 आनी चाहिए। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात, वैसे नॉर्मली हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, अगला क्वेश्चन समझाऊंगा वहाँ पे तीन फॉर्म होंगे तो तीन केस में से एक ही केस ऐसा होगा जो लेस देन 1 दे रखा होगा, भाई दो बाकी दो केस लेस देन 1 नहीं दे रखे होंगे, बट ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा लिया जिसमें तीनों केस, ये भी 1, ये भी लेस देन 1 दे रहा है, ये भी लेस देन 1 दे रहा है और ये भी लेस देन 1 दे रहा है, तो आपको कौन सा लेना चाहिए। तो यार सबसे छोटा लाइक लेस देन 1 में से सबसे कम कौन दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये दे रहा है ना। आप चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के करीब ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस 2। तो हम लोग यहां पे जो हमारा फार्मूला होगा लाइक जो वैल्यू होगी वो ये लेंगे ना। तो सबसे पहले आपको ऐसा चूज करना है, देन उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करके एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो लगाएंगे, वो लेस देन 1 होना चाहिए। अगर वो लेस देन 1 होता है तो ये मेथड अप्लाई होता है, नहीं तो नहीं होता है, ठीक है ना। तो अभी देख रहे हो आप, तो मैंने तीन तरीके से इसको लिखा, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, फिर हमने इसको डिफरेंशिएट करके x0 = 0.5 रखा, दोनों की तीनों की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, बट सबसे जो कम आ रही है वो उस पे आ रही है ना। तो ये हमारा क्या होगा, मतलब वो हमारा जो लाइक जो वैसे तीनों में से कोई सा भी ले सकते हो आप, ये भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, आंसर आएगा, पर थोड़ा सा लाइक इटरेशन ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, पर जो मोस्ट एक्यूरेट और कम इटरेशन आप करना चाहते हो तो आप इसको लीजिए तो वो ज्यादा आप करेक्ट आंसर देगा, राइट। तो देखिए आप यहाँ पे देन द इटरेशन मेथड अप्लाइड द सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन। अब आपको क्या करना है लाइक जैसे उस पर आ गया है ना, लाइक इस पर अपना सबसे कम आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एन इज इक्वल टू फाइव एक्स एन, ये हमारा इटरेशन फार्मूला हो जाएगा। मतलब ये हो गया इस पर कम आ रहा है, तो हमारा जो एक्स एन होगा फार्मूला क्या होगा, एक्स एन इज इक्वल टू वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स एन माइनस वन, ये हमारा इटरेशन होगा। फिर हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, लाइक जैसे मैं आपको बताता हूँ, चलो मैं इसको हटा देता हूँ फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हमारा जो मेथड बोलता है कि ये हमारा इटरेशन हो जाएगा लाइक जहां पर एक्स यहाँ पे क्योंकि वैल्यू कम दे रहा है तो एक्स एन इज इक्वल टू यहाँ पे एन और यहाँ एन माइनस वन आ जाएगा, है ना। नाउ अब क्या करेंगे, पुट एन इज इक्वल टू क्या रखेंगे, एन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे या वन ले लीजिए, सबसे पहले वन ले लीजिए, तो एक्स वन इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस क्या आएगा यहाँ पे, एक्स जीरो आएगा, है ना। नाउ एक्स जीरो की वैल्यू हमने क्या ली यहाँ पे, 0.5 ली, तो स्टूडेंट यहाँ 0.5 रखेंगे 1.5 हो जाएगा, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो लाइक हमारे पास जो एक्स वन की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.8169 आएगा। अब वापस हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो वही आएगा अंडर रूट वन प्लस यहाँ क्या आ जाएगा एक्स वन, तो ये वन इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस 81649, और जैसे इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा 0.7474196 आएगा। देन हम क्या करेंगे, एक्स थ्री लेंगे तो अंडर रूट वन प्लस ये आएगा आपके पास एक्स टू, दैट इज 1.74196 का अंडर रूट आएगा। देन इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.75767 आएगा, है ना। नाउ सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एक्स फोर लेंगे, एक्स फोर लेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स थ्री आएगा, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस 1.75767, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 0.75427। देन वापस हम लेंगे एक्स फाइव, है ना, दैट इज वन अंडर रूट वन प्लस क्या आएगा यहाँ पे एक्स फोर, तो ये आएगा अंडर रूट 1.75427, तो यहाँ से इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0.75500, है ना। इसी टाइप से हम एक्स सिक्स निकालेंगे, एक्स सिक्स आपके पास आएगा 0.75488, एंड देन एक्स सेवन निकालेंगे तो आपके पास आएगा 0.75487। तो स्टूडेंट यहाँ पे 4 डिजिट तक आपका आंसर आ गया, तो ये हमारा क्या होगा, रूट होगा। तो इस तरह से इस मेथड को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, पर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है
तो उसको आप एक्स एफ एक्स फॉर्म में लिखेंगे, लाइक एक बार एक एक्स की टर्म उधर ले लें, बाकी रिमेनिंग टर्म उधर ले लें, देन इसको एक्स की फॉर्म में लिख दें, देन ये हमारा फाइव डैश फाइव एक्स हो जाएगा। देन जो भी हमारा लाइक हमने जीरो और वन लगा के देखा तो जीरो पे नेगेटिव आ रहा, वन पे पॉजिटिव आ रहा, तो इसका मिड वैल्यू 0.5 ले लीजिए, या आप जीरो पे भी चेक कर सकते हैं, एक्स जीरो जीरो भी ले सकते हैं, पर जितना क्लोज लेंगे उतना करेक्ट आंसर आएगा, है ना। देन इसको ये फाइव एक्स हो गया, इसका फाइव डैश एक्स निकालेंगे और जहाँ पे एक्स जीरो वहाँ 0.5 रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो वो लेस देन वन होना चाहिए, पर स्टूडेंट यहाँ पे फाइव डैश एक्स लेस देन वन हो रहा है, यहाँ पे फाइव डैश एक्स लेस देन वन हो रहा है, ये लाइक इसका मॉडल्स ले लेंगे हम, है ना और यहाँ पे भी ये लेस देन वन हो रहा है, तो लाइक तीनों में लेस देन वन हो रहा है, पर जो सबसे कम जो हो रहा है लाइक जिसकी वैल्यू जीरो के करीब है तो ऑब्वियसली वो ये इसकी वैल्यू जीरो के करीब है, तो ये हमारा फाइव एक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट फाइव एक्स अगर हमारा फाइव डैश एक्स लेस देन वन उस पर हो रहा है तो हमारा जो लाइक इटरेटिव फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स एन इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स एन माइनस वन, लाइक जहाँ पर ये एक्स एन हो जाएगा या एक्स एन माइनस वन हो जाएगा, फिर एन इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री रख के सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। तो मैं आपके सामने एक से दो क्वेश्चन लेता हूँ, फिर इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द कॉस एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन करेक्ट टू फोर डेसिमल प्लेसेस बाय यूजिंग इटरेशन मेथड। तो आप सबसे पहले इसको एफ एक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, मैं इन दोनों को उधर ले आता हूँ, तो ये आएगा कॉस एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन। देन आप चेक करेंगे इसके जो रूट है वो किसके बीच में लाई कर रहे थे, एक बार मैं जीरो रख के देखता हूँ, स्टूडेंट यहाँ जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो वन होता है ना, देन ये जीरो हो जाएगा, देन ये क्या आ जाएगा प्लस वन, है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, टू आ रही है ना, लेकिन दोनों टर्म को दिलाए तो टू आएगा। देन हम क्या करते हैं यहाँ पे पाई बाई टू रख के देख लीजिए आप, है ना, कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का थ्री पाई बाई टू प्लस वन, आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन जीरो आएगी, इसका मतलब जो रूट होगा वो जीरो और पाई बाई टू के बीच में लाई करेगा। तो आप यहाँ पे एक्स जीरो को आप जीरो ले सकते हैं, है ना, मैंने बोला था यहाँ पे एक्स जीरो की वैल्यू क्या ले लेंगे आप, जीरो, है ना, इसको भी ले, क्योंकि आप अगर आप बोलोगे सर एक्स जीरो जीरो पाई बाई टू क्यों नहीं लिया, तो यार अगर पाइप की वैल्यू हम थ्री पॉइंट समथिंग ले, थ्री ले लो, तो थ्री थ्री जै नाइन, नाइन बाई टू रखेंगे तो 4.5 माइनस का, उसमें से वन गया तो माइनस का 3.5, तो ये ज़्यादा दूर है जीरो से एज कम्पेयर टू दिस, तो हम एक्स जीरो की वैल्यू यहाँ पे टू लेंगे, दिस इज कॉल्ड इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा, अब मैंने आपको बताया था कि x इज इक्वल टू फाइव एक्स चेक करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम इस फॉर्म में लिखेंगे, है ना, कंडीशन होती है हमारी, तो मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप ये थ्री एक्स ये वन उधर लिया, ये आएगा वन प्लस कॉस एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कॉस एक्स अपॉन थ्री आ गया। अब ये हमारा फाइव एक्स होता है, इस फाइव एक्स को ले लीजिए आप, है ना, क्या हो गया वन प्लस कॉस एक्स अपॉन थ्री। एक और तरीके से लिख सकते हैं कि ये कॉस उधर चला जाए तो एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स थ्री एक्स माइनस वन, वो भी आप कर सकते हैं, पर दिस इज क्योंकि वो अगर आप उसका करोगे डेरिवेटिव लोगे तो वहां पे दिक्कत करेगा, तो बेटर है आप इसको ले, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। नाउ क्या करेंगे आप, फाइव डैश एक्स लेंगे, तो भैया वन तो जीरो हो गया और इसका होगा माइनस का साइन एक्स बाय थ्री, और आप अगर आप पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो ऑब्वियसली इस नेगेटिव को आप हटा दीजिए, है ना। अब आप एक्स जीरो पे चेक करिए ना, तो फाइव डैश एक्स एट x0 इज इक्वल टू जीरो, आप इस जीरो पे चेक करेंगे तो भैया जैसे ही हम जीरो रखेंगे तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, है ना, लाइक ये आ जाएगा साइन जीरो अपॉन थ्री, और ये क्या आना चाहिए, लेस देन वन आना चाहिए, तो ऑब्वियसली साइन जीरो जीरो होता है, लेस देन वन आ रहा है, मतलब फाइव डैश x जो हो रहा है वो क्या हो रहा है हमारा, फाइव डैश x एट x इज इक्वल टू x0 क्या रहा, लेस देन वन आ रहा, मतलब हम इसको इटरेशन मेथड में ये वाले मेथड ये वाली जो अप्रोक्सीमेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको, यहाँ पे देखना पड़ेगा। और वैसे भी आपको बता दूं कि अगर बाई चांस आप इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट भी ले लो, है ना, मैंने बताया था आपको जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कि वन जीरो वन और टू लिया था तो अपनों ने 1.5 लिया था ना, तो यहाँ पे जीरो और पाई बाई टू है तो पाई बाई फोर भी ले सकते हो, पाई बाई थ्री भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, अल्टीमेटली उस पर लेस देन वन आना चाहिए और बिल्कुल आएगा, आप कुछ भी रख के देख लीजिए आप, है ना, तो लेस देन वन आ रहा है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका जो अप्रोक्सीमेशन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, ये है, तो मैं इसको लिख दूंगा एक्स एन इज इक्वल टू वन प्लस कॉस एक्स एन माइनस वन अपॉन थ्री हो जाएगा। नाउ क्या करेंगे, पुट एन इज इक्वल टू जीरो लगाएंगे, वन लिखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी एक्स वन इज इक्वल टू कितना आएगा, वन प्लस कॉस एक्स जीरो अपॉन थ्री, और एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो है, जैसे जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा वन, तो यहाँ से हमारे पास आएगा टू बाई थ्री, है ना। नाउ स्टूडेंट ये टू बाई थ्री आ रहा है आपके पास, तो इसकी वैल्यू जो आएगी आपके पास दैट इज आएगी 0.06667। देन हम क्या करेंगे वापस n इज इक्वल टू वन रखेंगे तो ये आएगा n इज इक्वल टू टू रखेंगे तो x2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू, मैं सीधा लिख रहा हूँ ये वन प्लस कॉस x1, और x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, मैं इस x1 की वैल्यू उठा के यहाँ रखूँगा, दैट इज ये रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर रख दीजिए 0.6667, है ना, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आएगा 0.5952 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू थ्री रखेंगे, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ x3 इज इक्वल टू वन प्लस कॉस कितना आएगा यहाँ पे 0.59
5296 डिवाइडेड बाय 3 लेंगे, ये कॉस है ना, दिस इज कॉस है ना, तो जैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे आप तो ये आएगा 0.609328 आएगा, देन वापस x4 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 0.609328 डिवाइडेड बाय 3 लेंगे, तो यहाँ पे इसकी जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आएगी वो आएगी 0.606678, देन हम क्या करेंगे x5 लेंगे 1 प्लस कॉस 0.606678 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 0.607182 आएगा, देन वापस x6 लेंगे हम तो ये आएगा 1 प्लस कॉस 0.60782 डिवाइडेड बाय 3 लेंगे, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.607086 है ना। एक और चाहो तो एक अप्रोक्सीमेशन और ले सकते हो, तो x7 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 0.607086 डिवाइडेड बाय 3 लेंगे, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.607105। एक और ले लीजिए, चलो x8 ले लीजिए तो ये आएगा 1 प्लस कॉस 60715 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा 0.607101 है ना। तो आप देख रहे हो ये चार डिजिट यहाँ पे क्या कर गए, रिपीट कर गए, तो हमारा जो रूट होगा वो क्या होगा, द करेक्ट रूट मैं यहाँ लिख देता हूँ, द करेक्ट रूट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस इज 0.667160 ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा था, आपने इसको fx लिखा, देन 0 और पाई बाई 2 रखा, तो 0 पे पॉजिटिव आ रहा है, पाई बाई 2 पे नेगेटिव आ रहा, तो x0 ये 0 के ज़्यादा करीब है, तो ये हमारा x0 हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, इसको x 5x फॉर्म में रखेंगे, तो लाइक x यहाँ रख लिया, उसको उधर ले लिया, देन ये हमारा x 5x हो गया। पर हमारी कंडीशन होती है कि जो 5x है वो इस x0 पे क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और x0 पुट करेंगे तो 0 आ रहा विच इज लेस देन 1, मतलब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा लाइक एक्स एन इज इक्वल टू कॉस एक्स एन माइनस वन, देन इसको हम अप्लाई करते करते यहाँ तक पहुँचेंगे, इस तरह से हमारा आंसर निकलता है। तो स्टूडेंट मैंने जो मेथड समझाया दैट इज इटरेशन मेथड या फिर फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपके सामने लेने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज न्यूटन रैप्सन मेथड। पर स्टूडेंट ये जितने भी मेथड मैंने बताया इनका रेट ऑफ कन्वर्जेंस एज कम्पेयर टू न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है, कम होता है, तो यहाँ पे जो आंसर्स आते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, लाइक मेथड्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, पर जो न्यूटन रैप्सन मेथड होता है बहुत 3 से 4 स्टेप में हमारा क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। सो वो मैं आपके सामने लेने वाला हूँ। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी मैं करता रहूँगा। मेरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए लाइक CSR नेट है, गेट है, IIT-JAM है, उनसे भी उनके भी रिलेटेड वीडियोस यहाँ गेट के अपलोडेड हैं, तो आप यहाँ पे लास्ट स्क्रीन आ रही यहाँ पे देख सकते हैं, ITAP पे जाके देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, लाइव क्लासेस भी आप अटेंड करें मेरी, जो मेरा शेड्यूल है, मेरा जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे मैं पोस्ट डालते रहता हूँ कि मेरी कब नेक्स्ट लाइव क्लास आएगी, वो भी आप वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।